वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11 की, और चैप्टर नंबर 17 है, नाम है चैप्टर का बिदिन एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी के लेवल पे देखने वाले हैं। कहीं कहीं पे बीच बीच में कोई कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट जो होंगे वो भी ऐड कर दिए जाएंगे वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से असिमुलेट करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 17, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, देखिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। क्या होता है, दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो रेस्पिरेशन की तरह बात करते हैं ना, तो ये क्या होता है, इट इज अ रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज अ फिजिको केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिको केमिकल चेंज जहां पर आपने करना क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस लाइक एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटीरियल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटीरियल टू रिलीज एनर्जी। है ना? अब इसमें क्या ध्यान रखना है हमें, जो रेस्पिरेशन है वो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। वो कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके टू पार्ट्स होते हैं, जिसके टू पार्ट्स हैं, एक है एक्सटर्नल और जो दूसरा है वो है इंटरनल। देखिए ये चैप्टर और जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 जहाँ पे रेस्पिरेशन की बात हुई है, वो चैप्टर और ये चैप्टर दोनों हैंड इन हैंड चल रहा होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक्सटर्नल की बात की जाए तो इट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे कहा जाता है वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग भी। दो चीजें हो रही है एक्सटर्नल में, एक तो हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर उसे शरीर के बाहर निकाल रहे हैं। प्रोसेस को कहते हैं वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग। अब इसमें हो क्या रहा होता है, देखिए इस प्रोसेस में होता है हमारे एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है और जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में जाती है। ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूसली चल रही होती है। ठीक है, इसको हम लोग अगर ऑर्गेनिज्म को हम लोग अगर समझें, ठीक है, तो मेरे पास एक्वाटिक भी हो सकता है और मेरे पास टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है ना। ऑर्गेनिज्म तो एक्वेटिक मीडियम में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मीडियम में भी हो सकते हैं। तो एक्वेटिक जो रहेंगे उसके अंदर क्या होगा ना, एनवायरमेंट क्या रहेगा, उसके अंदर रहेगा वाटर। तो ऑक्सीजन वाटर में से ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया। ऑर्गेनिज्म के कौन से ऑर्गन में आएगा, ये गिल्स में आएगा, और गिल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर आप टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एटमोस्फियर से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के द्वारा ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगी और लंग्स ही के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस एटमोसफियर में रीच आउट करती है। तो ये चीज़ हमें समझ लेना है कि एक्सटर्नल जो है इट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहा जाता है वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग भी। इस दरमियान क्या होता है, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करती है और ऑर्गेनिज्म के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट में एंटर करती है। इसको मैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल मीडियम के द्वारा समझ सकता हूँ। एक्वेटिक में जो वाटर है उसके अंदर से ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है बाय ऑर्गन कॉल्ड एज गिल्स, और गिल्स के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। टेरेस्ट्रियल के अंदर एटमोसफियर जो है उसमें से ऑक्सीजन जो है लंग्स में आता है और लंग्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमोसफियर में चला जाता है। अब जाते हैं इंटरनल की, जो इंटरनल है उसके अंदर क्या देखने मिलता है आपको, दिस इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो इंटरनल उसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल, बिटवीन द सेल्स एंड फ्लूइड मीडियम,
जब आप फ्लूइड मीडियम की बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो किसकी, बेसिकली ब्लड की। जब आप फ्लूइड मीडियम की बात कर रहे हो तो बेसिकली आप बात कर रहे हो किसके बारे में, ब्लड की। और इस दरमियान जो ऑक्सीजन निकलेगी उसे यूज कर लेना, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन को यूज किया है आपने एंड क्या जनरेट करना है, जनरेट एनर्जी एज वेल एज CO2, है ना। तो जब आप एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहे थे सेल्स ऑफ फ्लूइड मीडियम के बीच में, तो आपने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को यूज कर लिया और बदले में जनरेट की एनर्जी और एक बाय प्रोडक्ट हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक मटेरियल है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हुआ है एक जनरल सी बात, ठीक है। अब देखो, अब हम समझते हैं क्या ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, जैसे कि गिल्स की बात की और हमने यहां पर लंग्स की बात की, क्या यही दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे पास? तो बच्चों ऐसा होता नहीं है। तो अगर मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर रहा हूं, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं देखता हूं क्या, प्रोटोजोन्स हो गए मेरे पास, पोरीफेरा हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, है ना, और हेलमेंथिस हो गए। हेलमेंथिस के अंदर दोनों आ गए, प्लेटी हेलमेंथिस और एस हेलमेंथिस। इनके अंदर जो ऑर्गन देखने मिलता है वो क्या है, नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके पास नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन होता है, नो स्पेशल ऑर्गन। जैसे हमारे पास स्पेशलाइज ऑर्गन क्या है, लंग्स। फिशेस के पास स्पेशलाइज ऑर्गन क्या है, गिल। वैसा प्रोटोजोअन, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या हेलमेंथिस के अंदर हमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर देखने मिलता नहीं है। तो आप बोलोगे सर कि रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, इट अकर्स बाय जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो मुझे पता चलता है एनिलिडा आए हैं मेरे पास। एनिलिडा की कैरेक्टरिस्टिक याद है किसी को, जो एनिलिडा आते हैं उनकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक, सेगमेंटेड बॉडी। उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेगमेंटेड बॉडी। और अगर याद ना हो तो अर्थवर्म को याद कर लो, तुरंत ही उसका पिक्चर ध्यान में आ जाएगा। बॉडी कैसा होता है अर्थवर्म का, सेगमेंटेड होता है। तो इस एनिलिडा के अंदर कौन सा टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इसके पास होती है या तो स्किन, इसके पास हो सकती है स्किन, या फिर इसके पास मैं देख सकता हूं, इसके पास हो सकता है ट्रकिया। किसके पास, एनिलिडा की बात हो रही है, इनके पास हो सकते हैं या तो स्किन या फिर इनके पास हो सकता है ट्रकिया, नॉट ट्रकिया, सॉरी फॉर दिस, ट्रकिया नहीं होता बच्चों, सॉरी, इसके पास होते हैं गिल्स, ठीक है। तो स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसे कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होता है उसे कहते हैं क्यूटेनियस, और जो गिल्स के द्वारा होता है उसे कहा जाता है ब्रांकियल। ब्रांच होती है ना, ब्रांच, वही तो उसे ब्रांकियल कहना, ब्रांचियल बोलना तो ब्रांचियल बोल लो, पर स्पेलिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। अगर आप आर्थ्रोपोडा की बात करते हो ना, अगर आप बात कर रहे हो किसकी, आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको देखने मिल सकते हैं क्या, पहले तो बताओ आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। पर एग्जांपल याद करना है, कॉकरोच हो जाएगा इसका एग्जांपल, कॉकरोच हो गया। अब देखिए इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात की जाए, तो अगर इनकी बात करते हैं तो इनके पास हो सकता है, इनके पास हो सकता है गिल्स। ये आर्थ्रोपोडा की जनरल में बात हो रही, मैं क्या सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच की। इसके अलावा इनके पास हो सकते हैं बुक लंग्स। देखिए दिस वाज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट व्हेन वी स्टडीड क्लासिफिकेशन फोर्थ चैप्टर में, ठीक है। गिल्स हो गया, बुक लंग्स हो गया, इसके अलावा इनके पास हो सकते हैं ट्रकियल ट्यूब। देखिए ये सब थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के लेवल का, बट थोड़ा सा एडवांस कर लिया है ताकि अगर कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन से बन जाए तो हम आराम से उसे अटेम्प्ट तो कर पाए इजीली। आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं मोलस्कंस में, मोलस्कास हो गए। जो मोलस्का है ना, जो मोलस्का है उनके जो खास बात थी वो क्या थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, बॉडी कवर्ड विथ शेल, ठीक है। याद कर लो इसका एग्जांपल क्या था, पीला था, पीला।
आगे बढ़े, इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो ये रेस्पायर करते हैं गिल्स के द्वारा। इसके द्वारा रेस्पायर करते हैं, गिल्स के द्वारा करते हैं। उसी तरीके से गिल्स के द्वारा हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर प्रोटोकॉर्डेटा है, हमारे पास प्रोटोकॉर्डेटा है या फिर हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा है या फिर हमारे पास पाइसेस हो गई है, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा है, साइक्लोस्टोमेटा है या पाइसेस हो गई है, ये सारी ही सारी किसके द्वारा रेस्पायर करती हैं, गिल्स के द्वारा, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन कौन है, लंग फिश। एक्सेप्शन क्या है, लंग फिश है, एक्सेप्शन और भी होंगे बट लंग फिश इज समथिंग जो दो तीन बार बन चुका है सवाल। तो लंग फिश की बात करते हैं तो इसके पास गिल्स भी होते हैं और इसके पास लंग्स भी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। इस लंग फिश का दूसरा नाम है डिप्नोई, डिप्नोई भी कहते हैं इसे, ठीक है। अगर आप एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं एम्फीबियंस की, तो इन एम्फीबियंस के अंदर आपको देखने मिलेगा गिल्स भी हो सकते हैं या फिर लंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर फिर से आपके पास एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन कौन है, फ्रॉग। अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो सकता है, मतलब स्किन हो गया, बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन हो सकता है या फिर इसके पास आप देख सकते हो क्या रहेगा, पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, जो रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा किया जाता है। और अगर आप बात करते हैं जो सबसे इवॉल्व ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, उससे ऊपर उठते हैं तो एव्स हो गए, और सबसे सुपीरियर की बात कर रहे हैं तो कौन हो गए, मैमल्स हो गए। तो ये जितने भी प्राणी हैं, ये तीन प्राणी मोस्ट ऑफ देम रेस्पायर पल्मोनरीली या फिर बाय लंग्स। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन देखा है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। हमने बात कर ली, देखिए एक रिव्यू कर लेते फटाफट से ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग जो था ये क्या है, इसे रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसमें इन्वॉल्व क्या होता है, इट्स अ फिजिको केमिकल चेंज जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होती है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके दो भाग हैं। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है ना, कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से, जिसमें एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या, जिसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती हो। और कंज्यूम क्यों हो रही है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उसका आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, स्मॉलर में। तो जब बिल्डिंग को तोड़ना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, मजदूर लगाने पड़ते हैं, और वो मजदूर को आपको देने पड़ते हैं पैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद करोगे या फिर समझोगे कैटाबॉलिक को। और कैटाबॉलिक के कितने भाग होंगे बच्चे, दो, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे वेंटिलेशन या ब्रीदिंग कहते हैं, जिसके अंदर एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म में जाता है और ऑर्गेनिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में आता है। एक्वेटिक की बात हो रही थी तो वाटर जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, कौन सी गैस लेकर के, ऑक्सीजन, और ऑर्गेनिज्म के गिल्स में पहुंचा, गिल्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वाटर में रिलीज कर देगा। अगर टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट की बात हो रही है तो एटमॉस्फेयर से पहुंच रहा है ऑक्सीजन लंग्स में, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है एटमॉस्फेयर में। इंटरनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात होती है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जहां पे हम लोग कहां पे देखने मिलेंगे, देखने मिलेगा ये एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द सेल्स एंड द फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मीडियम का मतलब यहां पे ब्लड हो रहा है, जिस दरमियान हम लोग को करना क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन करना है और जनरेट क्या करना है, एनर्जी। साथ साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक होता है तो उससे क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ रहा है। जाते हैं हम लोग हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो रहा है, ऐसा ऑर्गन जिसके द्वारा हमारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पायर करते हो। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, देखिए ये सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म था, ये सबसे हाईएस्ट इवॉल्व लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे जैसे हम बेसिक से इवॉल्व या फिर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो एडवांस पहुंचता जा रहा है। तो जो प्रोटोजोन थे, पोरिफेरा थे, सिलेंटेटा थे या हेलमिंथस थे, उनके अंदर कोई भी स्पेशलाइज ऑर्गन था नहीं, पर रेस्पिरेशन किसके द्वारा हो रहा था, जनरल बॉडी सर्फेस के द्वारा हो रहा था। जो एनिलिडा है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है सेगमेंटेड बॉडी, को रेस्पायर करते हैं स्किन या फिर गिल्स के द्वारा। अगर स्किन का रेस्पिरेशन तो उसे कहते हैं क्यूटेनियस, और गिल्स का रेस्पिरेशन तो उसे कहते हैं ब्रांच्ड या फिर ब्रांकियल। जो आर्थ्रोपोडा है उसके अंदर गिल्स, बुक गिल्स या ट्रकियल ट्यूब्स होती है। वहीं पे मोलस्का जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं गिल्स के द्वारा। इसके अलावा प्रोटोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा और पाइसेस भी रेस्पायर करते हैं गिल्स के द्वारा ही। एक्सेप्शन है लंग फिश, जिसे डिप्नोई कहते हैं, वो गिल्स या लंग्स दोनों के द्वारा रेस्पायर करती है। एम्फीबियंस है वो गिल्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं और लंग्स के द्वारा भी करते हैं। एक फ्रॉग है जो एक्सेप्शन निकल के आएगा, क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी दोनों ही करता है।
जो रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं और मैमल्स हैं, इवॉल्व ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनके इनके पास डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं हम लोग लंग्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ दैट इज द केस प्लीज हिट द लाइक बटन, यू कैन शेयर द वीडियो एज मच एज यू वॉन्ट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और वो जो टॉपिक होगा उसे थोड़ा डिटेल में बात किया जाएगा, वो नीट के लेवल की बात होगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपका पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।